तो पहला क्वेश्चन है, करंट 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर करंट आता है, स्क्वायर वायर है तो करंट डिवाइड हो जाता है, 2 एम्पियर का 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहां से 1 एम्पियर नीचे और यहां से 1 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर वापस 2 एम्पियर। तो आपको चार वायर्स पे करंट बताना है, फोर्स बतानी है कैसी होगी, 1, 2, 3 और 4। पहले मुझे डायरेक्शन बोलो कैसे होगी। तो जैसे ये मान लो फर्स्ट वायर ये लेते हैं, इसमें करंट कहां पर है, नीचे नीचे, तो बोलो फोर्स एक्सपीरियंस की डायरेक्शन कहां पर है। बी कहां पर है, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर ठीक, और करंट कहां पर है, नीचे, फोर्स कहां पर है, मेरी तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स कहां आएगी, लेफ्ट। अच्छा इसके ऊपर फोर्स कहां आएगी, करंट कहां पर है, राइट, बी कहां पर है, बाहर, करंट कहां पर है, राइट, फोर्स कहां पर है, नीचे, बी, ये वायर बी, अपनी कॉपी में लगाना है, बी करंट, फोर्स नीचे, तो फोर्स नीचे। अच्छा ये वाली वायर सेम है यार, इसमें करंट नीचे तो लेफ्ट, इसमें भी करंट नीचे तो लेफ्ट, सेम है, इसमें करंट राइट तो नीचे, इसमें करंट राइट तो नीचे, ये डायरेक्शन है फोर्सेस की। फोर्स की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हो, F1, F2, F3 एंड F4 सेम आएगी, BIL sin 90, और लेंथ की जगह क्या पुट, बी की जगह क्या पुट करेंगे, बी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.25, करंट की जगह क्या पुट करेंगे, आई की जगह 1, लेंथ की जगह कितने सेंटीमीटर है, एल कितने, कितने सेंटीमीटर है इसमें, इसमें 20 सेंटीमीटर गिवन है इसमें, अच्छा गिवन होना चाहिए इसमें, कॉर्नर इसमें गिवन होना चाहिए, साइड इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो कितनी 20 × 10⁻²⁺ न्यूटन आंसर। डायरेक्शन सब फोर्सेस की डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड फोर्स का एग्जैक्टली सेम है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ने प्रोड्यूस किया बी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ लगाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने फोर्स कहां लगाई, नॉर्थ से साउथ लगाई, तो बी की वैल्यू 1 टेस्ला है। यहां पे जा रही थी एक वायर, वायर के अंदर कितना करंट है, वायर के अंदर जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर करंट है तो आपको बताना है कि वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगी, वायर के सिर्फ इस पोर्शन पे ही फोर्स लगेगी बस, बस क्योंकि ये वाला पोर्शन तो बी के बाहर चला गया, बी लगी नहीं रहा, तो सिर्फ इतने पोर्शन में बी लग रहा है। अब ये लेंथ कितनी है वायर की, जितना इस मैग्नेट का डायमीटर है उतनी लेंथ है, तो लेंथ यहां पर क्या होगा, 2 टाइम्स रेडियस, तो बी की वैल्यू कितनी है इस केस में, बी आपको पता है, रेडियस आपको पता है, डायमीटर पता है, तो आपको इस क्वेश्चन में करंट पता है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, बी आई एल, ये देखो किया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू बी आई, लेंथ की जगह 2r sin 90, क्योंकि लेंथ में और बी में एंगल 90 है, फोर्स की डायरेक्शन बोलो कहां लगेगी, बी कहां पर है, नीचे, करंट कहां पर है, इधर, बी नीचे करंट इधर, तो फोर्स कहां पर है, इनसाइड, तो फोर्स यहां पर इनसाइड आएगी ठीक, यहां तक इनसाइड द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्ट्रेट वायर जिसका मास गिवन है 200 ग्राम, एक सीधी वायर है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है और लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है, करंट कितना है इसमें, 2 एम्पियर है, एक मिड एयर, हवा में मिड एयर में सस्पेंडेड है और ऊपर से गिर भी नहीं रही क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने इसको हवा में टिका के रखा हुआ है, वो कैसे, ये वायर नीचे गिरेगी बिकॉज ऑफ इट्स वेट, पर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बी कहां पर है, बोर्ड के अंदर, करंट कहां पर है, इधर, फोर्स एक्सपीरियंस कहां पर है, ऊपर, तो फोर्स इज इक्वल टू एमजी, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स एमजी के इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में वायर नीचे नहीं गिरेगी, और वो कह रहे वायर नीचे नहीं गिरेगी तो बताओ बी क्या है, तो इसका मतलब बी आई एल जो भी फोर्स लगेगी वायर के ऊपर इज इक्वल टू एमजी, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन में मास पता है 200 ग्राम है, जी आपको पता है, करंट पता है और लेंथ पता है, किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, क्लियर है यहां तक, तो मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल ने वेट को बैलेंस किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक ट्रायंगल लूप है, करंट इधर आया इधर आया इधर आया, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? राइट है। तो आपको यह बताना है कि पी क्यू जो हर वायर पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। चलो पी क्यू से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू में करंट कहां पर है? राइट। और इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पर है? राइट। तो इसमें फील्ड में और लेंथ में एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो फोर्स क्या लगेगी? बी आई एल साइन जीरो इज जीरो। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो बी आई एल क्या बनेगा? बी आई एल साइन जीरो इज जीरो। अब बात करते हैं दूसरे पोर्शन की, इसकी बात करते हैं, इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऊपर। तो एल वेक्टर कहां है? ऊपर। बी वेक्टर कहां है? राइट। अब मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना है? 60। तो ये एंगल कितना है? 120। तो इसमें ये और ये, इन दोनों में, बी वेक्टर में और लेंथ में एंगल क्या बनेगा? 120। तो फोर्स क्या आएगी? बी आई एल साइन 120। अब अगर बात करते हैं इसकी, इसमें करंट जा रहा है नीचे, ये रहा नीचे, तो लेंथ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? राइट। तो एंगल इन दोनों के बीच में लेना पड़ेगा, ये गलत बना हुआ डायग्राम। ये कितना है? 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये कितना है? 120। तो फिर से एक बार बी आई एल साइन 120 इज द आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहे हैं यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक सर, ऊपर वाला एंगल भी तो हो सकता है? ऊपर वाला करेक्शन है ना, 120 नहीं है, गलती से बना दिया, ये 60 है ना, इक्विलेटरल है 60। अगर ये 60 तो ये 120। तो बी वेक्टर और करंट की तरफ जाना है एल वेक्टर, करंट नीचे तो एल वेक्टर नीचे है, तो ये एंगल लेना पड़ेगा 120 ऐसे। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, करंट 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ लूप, 5 एम्पियर करंट है, ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ऐसे। तो वायर की लेंथ 50 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक फील्ड 0.20 है। यहां पर क्वेश्चन में करेक्शन है, फाइंड बी नहीं, फाइंड एफ फोर्स निकालो। तो एफ क्या होगा? बी आई एल साइन 90। डायरेक्शन फोर्स की कहां होगी? बी बोर्ड के अंदर है, करंट मेरी तरफ है, तो फोर्स कहां पर होगी? ऊपर, बी करंट ऊपर। ठीक है, तो वैल्यू भी निकल गई और डायरेक्शन भी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको ये फिर से करंट कैरिंग वायर गिवन है, इधर ऊपर इधर और इधर, और बी वेक्टर राइट है। आपको आपके फिगर में सिर्फ और सिर्फ ये एंगल गिवन है 120 बस। आपको बताना है कि पी क्यू सेगमेंट, पी क्यू देख रहे हो, ये पी और ये क्यू, पी और क्यू सेगमेंट में, ये पी से लेके क्यू सेगमेंट में, यहां से यहां आपको फोर्स बतानी है क्या होगी। अब ये लेंथ कहां पर है? ये लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? राइट है। तो एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ये एंगल लेना पड़ेगा ऐसे। अब क्वेश्चन तो 120 की बने, अगर ये 120 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 120 है, स्ट्रेट लाइन की वजह से 120 के छोटा एंगल क्या बनेगा? 60। तो क्या बनेगा? बी आई एल साइन 60 इज द आंसर। ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और टॉपिक करना पड़ेगा, पहले उसको डिस्कस करते हैं।